सो गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग चैनल इंदौरी ब्लॉग। तो करो सभी भाई लोग अच्छे हो जाते हो, जो जाते हो जो तुम्हारा भाई की तरह अभिषेक भाई की तरह। तो अभिषेक भाई अपनी पब्लिक को बताओ अपन कहां पर आए हैं। तो गाइस अपन आ चुके हैं इंदौर के सबसे सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े मॉल फोनिक्स मॉल में, जो कि अभी इंदौर में 1 दिसंबर को ओपन हुआ। और यहाँ पर जो है ना भाई 100 से भी ज़्यादा वेराइटीज के जो अपनी दुकानें ओपन हुई ना, शॉप्स ओपन हुई, जो इंदौर में आज तक पूरे एमपी में नहीं है, एमपी सेंट्रल इंडिया में नहीं है भाई, पूरे जो मेट्रो सिटीज वगैरह रहती है वहाँ पर है, वहाँ पर है। तो भाई भाई लोग आपको बैक कैमरा से एक बार यहाँ का लोकेशन दिखाता हूँ। और भाई मेरी यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई नज़र जा रही ना, तो भाई वहाँ तक का मॉल बना हुआ। और लिटरली मैंने इससे बड़ा मॉल पूरे एमपी के अंदर तो मैंने तो नहीं देखा है भाई, और इसके बाहर तो मैं ज़्यादा गया भी नहीं हूँ। भाई लोग आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, इधर लोकेशन भी समझाता हूँ कहाँ पर है। वैसे आप लोग को लोकेशन के मोहताज नहीं है, आप लोगों को पता चल जाएगी लोकेशन। आप चलते हैं विशेष थोड़ा सा देखते और अंदर कैसा क्या माहौल है, और बाहर से देखते कैसा क्या माहौल है। तो भाई भीड़ देखो, भीड़ चेक करो आप सबसे पहले, देखो कैसी भीड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर कोई भंडारा चल रहा हो। चलो भाई चलते हैं अंदर। ये मेरे फ्रंट साइड देख रहा हूँ मैं कि भाई ये सारा म्यूज़िक के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे साइड चल रहा है भाई म्यूज़िक, और यहाँ पे भाई म्यूज़िक के साइड चल रहा है। मतलब इतना गदब का दिख रहा है, बहुत औसता। मतलब यार बहुत पब्लिक लिटरली बोल रहा हूँ भाई, इसको ही देखने आई है। इतना शानदार तरीके से नज़ारा हो भाई लोग आप मॉल को देखो यार, मॉल कितना बड़ा दिख रहा है भाई। दूर से दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा, पास आके तो भाई लिटरली बोल रहा हूँ कि नज़रें नहीं दिख रही है, वो इतना खूबसूरत लग रहा है। अपन चलते हैं चेक करते हैं अंदर वगैरह कैसा क्या है, या फिर अंदर जाने दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे, अभी ओपन प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ चेक करते हैं अपन। तो अभिषेक भाई अपन थोड़ा सा ही अंदर आए हैं। हाँ, और कैसा लग रहा है यहाँ का भैया? मज़ा आ गया रहा है ना, ये जो शावर जो है फुहारे चल रहे हैं इसको देख के इतना तगड़ा वाला मज़ा आ रहा है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये म्यूजिक की थीम पे चल रहा है, म्यूजिक बज रहा है, डांसिंग जो शावर है, डांसिंग शावर है भाई। लोग आप लोगों को ये पैसे दे के मतलब खुद देखने को मिलेगा ये ऐसा शो, मगर यहाँ पे भाई थीम में देखने को मिल रहा है। और भाई भारी है तगड़ा वाला माहौल है, अंदर कैसा भाई मेरे को डाउट हो रहा है कि यार यहाँ पे शायद अंदर जाने दे रहे हैं या नहीं दे रहे, देखते हैं। हमें चलते हैं चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलो भाई फाइनली मौका मिल गया अंदर जाने के लिए, काफी ज्यादा देर लगता है। चलो अंदर दिखाते और चलते हैं। यहाँ प्रॉपर अपने बैग की चेकिंग हो गई, चेक बैग लेके आए थे हम लोग। और गजब यार, वाओ क्या बात है, बहुत शानदार मौसम बिल्कुल भैया पेट में छाए हो रहे, बहुत गजब। भाई लोग चेक करो, शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आएगी, मगर चेक करो भाई कितना तगड़ा वाला क्राउड हो रहा है भाई, खतरनाक। और अभी कुछ कुछ ही स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, ज़्यादा कोई स्टार्ट भी नहीं हुआ है। थोड़े बहुत जो बड़े बड़े शोरूम वगैरह है वही स्टार्ट हुए हैं, जो मतलब ऑलरेडी जो जिनका ब्रांड है उनका ब्रांड बना हुआ है वही स्टार्ट हुआ। लाइफस्टाइल वगैरह भैया यहाँ पे अभी कुछ खाने पीने का शायद स्टार्ट हुआ नहीं है। नहीं यार भैया देखो मेरी बात सुनो, अभी दिलाने का क्या है कि मतलब बहुत अभी ये हमारे लिए सस्ती चीज़ है, तो ये हम थोड़ा इससे सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और थोड़ा महंगा वाला ब्रांड आ जाए उसके बाद में अभिषेक भाई को थोड़ा दिलवाऊंगा। अभी सारी सस्ती चीज़ें ही देखो, ये क्या है हीरो मोटा, और यहाँ पे ये लाइफ स्टाइल, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, थोड़ा बड़ा हो जाए। अभी एच एन एम वगैरह भी अपना थोड़ा छोटा है, थोड़ा ब्रांड थोड़ा इससे कोई लेवल वाला ब्रांड आएगा ना, मतलब जिस हिसाब से ये मॉल खुला हुआ है उस हिसाब से कोई ब्रांड आना चाहिए अभिषेक भाई। बिल्कुल, तो मतलब आयुष इंदौरी और अभिषेक इंदौरी का ब्रांड आएगा भाई यहाँ पर, तो अभी देखना मतलब क्या तलका बनने वाला। चलते हैं अपन आगे और थोड़ा मॉल का लोकेशन दिखाते हैं। अभी तो स्टार्टिंग में ही आए, और स्टार्टिंग में आने के बाद में हमारी नज़र एक जगह टिक गई, हम इससे ज़्यादा ऊपर गए भी नहीं है। चलो भाई चलते हैं आगे, और साथ में पूरा मॉल का लुक दिखाएंगे कि भाई कैसा क्या दिख रहा है, और कैसा क्या मतलब इंदौर में अपन लोगों ने ऐसा मॉल नहीं देखा है। मतलब ये उसका जो लुक है वो थोड़ा बाहर का लुक है, मतलब ऐसे अपने इंडिया के कल्चर को लेकर नहीं बना हुआ है। और आपको वीडियो बताना है कि हमारी पब्लिक को बताना चाहिए कि भाई वीडियो कैसा, वीडियो क्या मतलब मॉल कैसा है, जो घर से नहीं आ पा रहे हैं या फिर इंदौर के बाहर के वो अभी देखने नहीं आ पा रहे। धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे जितने लोगों को पता चलेगा ना, वैसे धीरे धीरे लोग आएंगे। अभी थोड़े थोड़े भाई देखो यहाँ पे कोई बॉडी शॉप वगैरह की शॉप स्टार्ट है, मतलब अभी 50% लगभग बंद है। देखो अभी लिखा है यहाँ पर मान्यवर कमिंग सून, ये भी कमिंग सून है, बहुत सारे चीज़ें। ये देखो भाई कितना बड़ा खुला हुआ लाइफ स्टाइल का।
यहाँ पर अभी जूडियो कमिंग्स होना है, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर वेस्ट साइड ओपन हो चुका है, जितना बड़ा लाइफ स्टाइल का शोरूम था उतना बड़ा वेस्ट साइड का शोरूम है। नीचे जूडियो ओपन होने वाला है और ये भी छोटा ही ब्रांड है अपने लिए, छोटा ही ब्रांड है। अभी देखो पीछे स्टारबक्स गया, स्टारबक्स भी छोटा, कोई महंगी सी बड़ी सी चीज़ आएगी ना तो मैं अभिषेक भाई को पक्का खिलाऊंगा और दिलाऊंगा। ये लड़कियों के लिए शायद ये लड़की क्लोथिंग भी है, मतलब लेडीज वियर है यहाँ पर। ये देखो भाई इधर भी एंड एंड गर्ल्स लिखा है, तो ये भी लड़कियों का क्लोथिंग है यहाँ पर, मतलब सारे लोगों के लिए हर चीज़ मिल जाएगी भाई। जैसे दुबई के मॉल्स वगैरह होते हैं ना, वैसा उस टाइप का लोग दिख रहा है कि दुबई के मॉल में गया तो नहीं हूँ, मगर मैंने वीडियोज़ में देखा और एक्सपीरियंस भी वैसा ही ले रहा हूँ मैं कि दुबई का मॉल होगा ये। तो भाई अभी अपन बढ़ते हैं एक स्टेप और, इसके ऊपर एक और बार चल के देखते हैं। अभी तो फर्स्ट भी स्टार्ट हुआ ना, अपन अभी ऊपर ओपन आए नहीं। हाँ तो अपन इसके फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं भाई, फर्स्ट फ्लोर पे चल के देखते हैं कि उसके बाद में कैसा है। भाई ये भी पूरा नहीं हुआ ना, इतना बड़ा है भाई और लिटरली बोल रहा पूरा घूमना है तो थक तो जाएंगे यार। और 2 से 3 घंटे चाहिए आप लोगों, पूरा मॉल सिर्फ ओनली देखने के लिए, वॉकिंग करते हो देखने के लिए 2 से 3 घंटे चाहिए। अगर आप लोग कोई शॉप पे रुकते हो या फिर कुछ 4 से 5 घंटे लेके वहाँ, अगर आपको कुछ खाना है या पीना है तो आप लोगों को भाई 4-5 घंटे लेके आना पड़ेगा यार। यहाँ पे देखो भाई, चेक करो ये गजब असम, अरे गजब वाओ, मतलब यार भाई नज़रें जहाँ जहाँ जा रही है ना वहाँ वहाँ नज़रें टिक रही हैं, लिटरली बोल रहा हूँ वहाँ वहाँ नज़रें टिकी जा रही हैं भाई। ये देखो ये कितना शानदार लुक दे रखा है पूरा, मतलब वाव राजघराने जैसा दिख रहा है। दुबई में शेखों के महल रहते ना भाई, उस टाइप का ये पूरा बना हुआ है, गजब का लुक दिख रहा है भाई, ऑसम। और नीचे वॉकिंग एरिया देख सकते हो, हम लोग नीचे तो गए नहीं अभी। ये तलघर है, मतलब बोले तो बेसमेंट, ये बेसमेंट बना हुआ नीचे का कितना शानदार दिख रहा है, जैसे भाई इटली की स्ट्रीट वगैरह रहती ना भाई ऐसा दिख रहा है, क्या बात है ऑसम भाई गजब। जो ब्रांड्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो सारी चीज़ें इसमें आपको दिखी हुई है, और एक बहुत अच्छा बता रहा है जिसको कोई ब्रांड्स वगैरह देखने यहाँ से देख के जा सकते हैं, या फिर जिसको कोई पर्टिकुलर शॉप पे जाना है कि भाई उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, इस मैप के जरिए ये लोग पूरी प्रॉपर चीज़ एक चीज़ इसमें देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलेगी आपको। तो भाई लोग जिस लिए अपना जो चैनल है वो मशहूर है, मतलब किस लिए मशहूर है अपना चैनल कि भाई अपन खाते पीते हैं, खाने पीने वालों से भाई, खाने पीने वालों के लिए आप देख के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि भाई जिस सेकेंड फ्लोर पे हम लोग आए ना तो यहाँ का स्टार्टिंग ही ऐसा है भाई, क्या बात है। यहाँ पे देख सो, मतलब इंदौर के लोगों को खाने पीने की दीवानगी तो देख लो आप हर जगह मिलेगी। तो भाई ये देखो यहाँ पे जितने सारे लोग खाने पीने के लिए बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे नए नए आउटलेट्स खुले हैं जो कि इंदौर में पहले थे नहीं, वो अब यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप इसका एक पर्सनल ब्लॉग बना कि भाई यहाँ का आप लोगों को चेक करना है कि भाई यहाँ का कैसा क्या बना, कैसा क्या। हाँ 1-2 महीने बाद अभी मत बोल देना कि भाई अभी दिखा दो, अभी दिखा दो, अभी दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई नहीं है, अभी स्टार्टिंग है और प्रॉपर तरीके से मॉल अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। आप लोग देखो तो कितनी भीड़ लगी हुई है खाने पीने की, और लिटरली इंदौर जो है ना चटोरों की नगरी है भाई, तो यहाँ पे देख लो आप कितने लोग बैठे टोकोबेल, मतलब ये नाम भी नहीं सुना था मैंने इससे पहले, टाकोबेल, टाकोबेल नाम से कोई ब्रांड खुला है यहाँ पर, टर्किश आइसक्रीम, क्या बात है। मतलब ये विदेश के लोग यहाँ पे इनने अपना डेरा जमा दिया भाई। ये देखो और ये देखो यार गजब, ये देखो यहाँ की सीटिंग देखो आप लोग, ये देखो कितने सारे लोग खाने बैठे हैं यार, सिर्फ शेरशाह खड़ा हो गया यहाँ पे तुर्की आइसक्रीम देखने के लिए। ये देखो भाई भाई ये बसना चलना भाई, ये देखो तुर्की आइसक्रीम देखने खड़ा हो गया लंबा साथ में। अरे अपन उसके बाद में हम लोग ये क्या है ब्रांड, ये ब्रांड, अरे ठीक है वो अपन चल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई लोग कि हम अभी मतलब इतना शूट कर लेते हैं, आप लोगों को यहाँ की बाइक दिखा दी कि भाई कैसी बाइक है यहाँ की, और चेक करेंगे नेक्स्ट टाइम आके फिर पक्का मैं वापस से एक बार होगा। ये भाई मेरे को गिरा देगा, ये वो वाली हरकत करवा देगा जैसे वो टंटी जी जाती थी ना गाँव वाली में 5:30 बजे, तो अभी जैसे हम भी नीचे तब जाते हैं भाई। लोग भीड़ देखो यार, मतलब क्या क्रेज है लोगों में, क्योंकि बहुत समय से लोगों ने कुछ नया देखा नहीं था इंदौर में, तो भाई अब फाइनली देखने को मिल रहा है, और हमने भी कुछ नया देखा नहीं था तो हम लोगों को भी देखने को फाइनली मिल रहा है। ये बहुत फटती है मेरी इससे यार,
भाई चलते हैं एक बार नीचे होके आएंगे नीचे चलते हैं। नहीं नहीं अपन भाई लास्ट टाइम नीचे देख के आते हैं भाई नीचे का माहौल कैसा है, तो फिर अपना थोड़ा सा एंड हो जाएगा, फिर आखिरी में आके मतलब एक बार और आएंगे हम लोग, उस दिन हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे पूरा आई के शॉट पूरा मॉल में लगाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग को जाना भी है, हम लोग सिर्फ वाइब चेक करने आ रहे हैं कि हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो देख रहे हैं कैसा क्या यहाँ का और ऊँचा कैसा है बस, बाकी उसके बाद हम निकले क्योंकि थक भी गए यार भाई, हम शूट करने भी बहुत देर से निकले हुए थे, लास्ट नीचे का चेक करके और हम लोग जाते हैं घर की ओर। लोग इतना गंदा वाला कटा है, हम लोग देख रहे थे कि शायद हो सकता है कि मतलब इसके नीचे हम लोग नीचे जाना है चेक करना था, हम लोग फर्स्ट फ्लोर से नीचे तो आ गए सेकेंड फ्लोर से भी नीचे आ गए, मगर भाई हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए हैं पार्किंग में, तो अब वापस चल रहे हैं, अभिषेक भाई निकल गए हैं ऊपर और मैं भी चल रहा हूँ ऊपर, अभी इसके ऊपर वाला फ्लोर जो है ना वो आप लोग थोड़ा घूमना है, वो थोड़ा सा घूमना बाकी है भाई, मैं थोड़ा सा चल भी लेता हूँ, चलो भाई क्या बोलते मैडम भाई इधर लास्ट फ्लोर देख लो, अच्छा काफ़ी अच्छा बना हुआ है और मैं थक गया हूँ यार भाई, इतना थक गया हूँ तो आप लोगों को दिख रहा हूँ फिर से बस में आ चुका है, चल रहे कुछ आवाज़ भी नहीं आएगी यहाँ पे प्रॉपर, चलो भाई बाहर चलता हूँ आगे, फिर बाहर चल के बस आप मतलब जो भी जगह आखिरी एंड बाहर जाए करेंगे अपन, तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम इधर की पता है क्या समझ में नहीं आ रही लोगों की, भाई इधर से जाएँ या उधर से जाएँ, दो रोड दिख रही है तो यहाँ पे रोड वाला सीन हो चुका है कि आधे जो आने वाले लोग हैं वो उस साइड से आ रहे हैं और जाने वाले लोग उस साइड से आ रहे हैं, तो हम बार 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 रॉन्ग साइड को दूसरे जैसी एज एज वाला बाइक लेकर भी रुकते हैं रॉन्ग साइड, और भाई रुकना नहीं चाहिए गलत बात है, बट ठीक है भाई हमको जाना रहता तो ठीक है, अब क्या करें अभिषेक भाई, अरे रॉन्ग साइड निकलेगी या लेफ्ट साइड निकले, इधर से चलो भाई इधर से चलो, तो भाई लोग फाइनली हम लोग घूम लिए हैं मॉल के अंदर और भाई मतलब घूमने में मज़ा आया, बट जो जिस एक्सपेक्टेशन से हम आए थे ना कि हमको एक्सप्लोर करना है तो है ना, और संडे है आज, तो आप लोग अभी भी देख सकते हो कि शाम हो रही है और संडे है, मेन तो संडे है और संडे को अभी संडे के हिसाब से भी चलो ठीक है, संडे तो ठीक है रश होता है, बट अभी मॉल में 50% चीज़ें ओपन हुई, अभी ज़्यादा चीज़ें ओपन भी नहीं हुई है, दैट्स वाई कि अभी थोड़ा कम मज़ा आएगा, अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट व्लॉग अगर चाहिए तो आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आप लोगों में संतुष्टि है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हाँ जो पार्किंग वगैरह ना दिल्ली जो पार्किंग उसी में लगा तो जाम लगता है तो वो भी अच्छा नहीं लगा, ये देख लो जाम लग रहा है, तो दूसरे जगह कहीं किसी को एयरपोर्ट निकलना है रेलवे स्टेशन में निकलना हो सकता है, एम्बुलेंस आ रही हो, हाँ हो सकता है एम्बुलेंस आ रही हो, तो आप लोग जहाँ पर पार्किंग की जगह है ना भाई गाड़ी पार्क मत कर दे, और यहाँ पर इनफैक्ट भाई गाड़ी ठीक है मगर पैदल जाने के लोगों के लिए रास्ते नहीं छोड़ रहे हैं भाई, तो भाई पार्किंग का मेन ध्यान रखना और इतना बता देना कि अगर आप लोगों को सेकेंड पार्ट चाहिए हो तो बता देना, हम लोग आप लोगों के लिए सेकेंड पार्ट ले आएंगे किसी मॉल का, सब पहले चल रहे हैं निकल रहे हैं थोड़ा, हमको क्या बोलते हैं उसको हमको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, स्ट्रगल चले इधर से, अरे भाई चल हम लोग हो गए पार, अब चलो भाई अब हम कर रहे हैं वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, सब होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना कमेंट कर देना शेयर कर देना, तो साथ में अभिषेक भाई के चैनल की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग जाकर उसको भी फॉलो कर लेना सब्सक्राइब कर देना, तब तक मिलते हैं किसी बाय 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 बाय।